कैसे हो दोस्तों, हरे कृष्णा, जय श्री राधे। फिलहाल मैं रोहिणी दिल्ली के अंदर हूँ, क्योंकि यहाँ पर न्यू एस्कॉन टेम्पल ओपन हो चुका है। 15 साल से मंदिर बन रहा था ये, और अब जो है पब्लिक के लिए ओपन हो चुका है। इसका नाम रखा गया है श्री श्री राधा माधव मंदिर का नाम है ये, और एस्कॉन टेम्पल है रोहिणी दिल्ली के अंदर। अब ये पब्लिक के लिए ओपन है, जो है आप यहाँ दर्शन करने आ सकते हैं। चलिए भाई, यहाँ पे हम चलते हैं, दर्शन करते हैं, पूरा मंदिर देखते हैं किस तरीके से बनाया गया है, कैसा अंदर से लुक है। राधे कृष्णा के अंदर दर्शन करते हैं, राम दरबार के दर्शन करते हैं। यहाँ फिजिक्स का पूरा इस्तेमाल किया गया है मंदिर को बनाने के लिए। बहुत अच्छा आर्किटेक्ट यहाँ पे बनाया गया है। आप आएंगे दर्शन करने तो बहुत आपको आनंद आएगा, हमें भी आनंद आ रहा है यहाँ पर। चलिए आगे पूरी जानकारी हम आपको देते हैं कि मंदिर रोहिणी में कहाँ बनाया गया है दिल्ली में, ठीक है। आगे टाइमिंग क्या है, लोकेशन क्या है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या है, कैसे आप यहाँ पर आ सकते हैं, पार्किंग वगैरह की सुविधा, सारी जानकारी आपको देते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए, क्योंकि हम दिल्ली में भ्रमण करते हैं, दिल्ली NCR में भ्रमण करते हैं, इवन पूरे भारत में भ्रमण करते हैं और आपको भी करवाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, ये आप दर्शन कर सकते हैं इस्कॉन रोहिणी के। चलिए मैं आपको यहाँ की लोकेशन बताता हूँ। यहाँ की अगर लोकेशन की बात करें तो वो रहेगी पॉकेट डी सेक्टर 25 रोहिणी दिल्ली में ये मंदिर स्थित है। यहाँ आने के लिए करीबी मेट्रो स्टेशन रेठाला का रहेगा, जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा, बल्कि कम ही होगा 1 किलोमीटर से। एग्जैक्ट आप इस रोड से सीधा जाओगे ना तो वहीं पर ही रेठाला का जो है मेट्रो स्टेशन है, तो वहाँ से आप रिक्शा वगैरह लेकर इजीली यहाँ तक आ सकते हैं। 10 रुपये रिक्शा वाला लेगा, क्योंकि काफ़ी पास है रेठाला मेट्रो स्टेशन से मंदिर। आपको रोड पर ही जो है मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, मेन रोड पर ही है, तो यहाँ आके आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ की अगर टाइमिंग की बात करें तो भाई मंदिर जो है सुबह 7 बजे खुल जाएगा और दोपहर 1 बजे तक खुला रहेगा। उसके बाद 1 से 4 के बीच मंदिर बंद रहेगा, ठीक है, दोपहर में, क्योंकि भगवान को भी आराम की जरूरत है दोपहर में भाई। फिर 4 बजे मंदिर खुलेगा और रात को 9 बजे तक खुला रहेगा। तो इजीली आप यहाँ दर्शन करने आ सकते हैं, मैंने आपको जानकारी दे दी है। कुछ और पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, DM करके भी पूछ सकते हो। बाकी इसी वीडियो को शॉर्ट में इंस्टाग्राम पर भी हम डालेंगे, तो इंस्टा पे भी शॉर्ट वीडियोस के लिए आप फॉलो में कर सकते हैं। और दोस्तों, पार्किंग की अगर बात करें तो यहाँ आप मंदिर देख रहे हैं, मंदिर का जो है एंट्री गेट है, और यहीं आगे या बगल में जो है पार्किंग आपको मिल जाएगी 2-व्हीलर 4-व्हीलर की, तो अपने व्हीकल के द्वारा भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। देखो भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर, और ये रही हमें पार्किंग। चलिए दोस्तों, इस्कॉन रोहिणी में चलते हैं, अंदर दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। तो आज जो है मंदिर का पहला दिन तो नहीं है, पहला दिन कल है, कल से जो है पब्लिक के लिए जो है मंदिर ओपन होगा। तो चलिए चल के दर्शन कर लेते हैं, कल से आप भी यहाँ आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। चलिए आइए, पूरी आपको जानकारी देते हैं, पूरा दर्शन करवाते हैं मंदिर में अंदर किस तरीके का पूरा लुक रहेगा। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। तो मंदिर में दर्शन से पहले आप भाई फूल माला वगैरह भी ले सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। कितने का रहेगा भैया माला? माला 50 रुपये का माला रहेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। दोस्तों, ये वाली जो माला आप देख रहे हैं 20 रुपये में रहेगी, और ये बड़ी वाली आप देख रहे हैं 50 रुपये में रहेगी। बाकी ग्लोब वगैरह भी यहाँ पर आप ले सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। और मंदिर जो है भाई, आप दर्शन करेंगे ना वो करेंगे आप सेकंड फ्लोर पे। ये फिलहाल हमें ग्राउंड फ्लोर पे, फिर आएगा फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, वहां जाके हम दर्शन करेंगे। तो चलिए पहले आपको ग्राउंड फ्लोर पर ही दिखा देते हैं क्या मिलने वाला है हमें। बाकी यहाँ से आप प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं, पेड़े का प्रसाद है, लड्डू का प्रसाद है, कई प्रकार का यहाँ से आप प्रसाद वगैरह, केक्स वगैरह देखिए ले सकते हैं। क्या क्या मिलेगा प्रभु जी यहाँ पर? अच्छा, एकादशी भोग, तो भाई आज जो है ना एकादशी है, तो एकादशी भोग आपको यहाँ से मिल जाएगा। प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं, ये देख सकते हैं कई बॉक्सेस में जो है पेड़े का, लड्डू का प्रसाद है। क्या प्राइस रहेगा इसका? 100, 200, 300। अच्छा, 100, 200, 300 अलग अलग जो है यहाँ पे जो है प्रसाद के रेट हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं ना स्टेयर्स है, ये जीने जा रहे हैं ऊपर की, और एक रास्ता ये जा रहा है, जैसे कोठी बंगले होते हैं ना उस तरीके से पूरा इसको जो है लुक दिया गया है। यहाँ से एक रास्ता ये जा रहा है ऊपर जाने के लिए, और एक रास्ता यहाँ ये जा रहा है, तो कहीं से भी आप जा सकते हैं, दोनों रास्ते सेम ही हैं, आपको ऊपर ही लेकर जाएंगे। बाकी और कई चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं, भगवद गीता भी आपको मिलेगी, इंग्लिश में है यहाँ पर, और कृष्णा यहाँ पर है, द सुप्रीम प्रेजेंटली ऑफ गॉड हैड, भगवद गीता यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में आपको मिल जाएगी। बाकी इस्कॉन में तो हर लैंग्वेज में जो है गीता मिल जाती है। बाकी और भी कई चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी, देख सकते हैं, तुलसी की माला वगैरह भी आप यहाँ से ले सकते हैं, लड्डू का प्रसाद है। तो चलिए भाई, आपको यहाँ हम ग्राउंड फ्लोर पे पहले दिखाते हैं क्या मिलने वाला है। चलिए भाई, यहाँ से अंदर चलते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे फिलहाल हम हैं, और यहाँ पे जो है फूड कोर्ट बनाया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से फूड कोर्ट को रेडी किया जा रहा है। दोस्तों, कितना अच्छा, देखो ये ढोल बजाया है, क्या बोलते हैं, ढोल है क्या है ये? इसको मृदंगा बोलते हैं। अच्छा, मृदंगा बोलते हैं। देखो इसी से निकला है, इसके दो टुकड़े कर दोगे, अच्छा, तबला बन जाएगा, तबला बन जाएगा। मिट्टी का होता है ये, सबसे पहले मिट्टी का पूरा, लेकिन ये वाला ये फाइबर का, पर वैसे मिट्टी का होता है, इसको हाफ कर देंगे तो तबला बन जाएगा, ये मृदंगा है। सबसे पहले यही था एशियन टाइम।
है। अच्छा अच्छा, तो देख सकते हैं फूड कोर्ट बनाया जा रहा है ना पूरे वाला एरिया, गोविंददास रेस्टोरेंट रहेगा ये। अच्छा अच्छा, तो ये देख सकते हैं, हाँ भाई गोविंददास रेस्टोरेंट इसका नाम दिया गया है फूड कोर्ट का। देख सकते हैं अभी लाइटिंग थोड़ी सी जो है कम की हुई है यहाँ पर, कल पब्लिक के लिए ओपन होगा ना तो जो है बड़ी अच्छी लाइटिंग यहाँ पे की जाएगी। बाकी नकासी दिखाते हैं, चलिए दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं लिफ्ट की सुविधा है यहाँ पर, अगर कोई बुजुर्ग है वो स्टेयर्स के द्वारा सीढ़ी के द्वारा नहीं जा सकते तो लिफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लिफ्ट की सुविधा है ये। अभी जो है लाइटिंग कम की हुई है, मैंने बताया ना कल जो है पब्लिक के लिए ओपन होगा तब यहाँ पे काफी अच्छी लाइटिंग होगी, ये सारे जो लाइट्स वगैरह हैं सब जो है आपको ऑन मिलेंगे। बाकी यहाँ की नकासी देखो भाई कितनी बढ़िया तरीके से की गई है भाई साहब, वाओ पूरा 3D इसको जो है शेप दिया गया है, कितना अच्छा लग रहा है। इसके अंदर भी कुछ है शायद, एक बार देख लेते हैं भाई, हमारे लिए भी नया ही है, पहली बार ही आ रहे हम, और अंदर भी कुछ होगा बट गेट लगा है तो छोड़ो। चलिए दोस्तों ऊपर चलते हैं दर्शन करने के लिए, सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। तो भाई वहाँ भी स्टेयर्स हैं और यहाँ भी, तो चलिए चलते हैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे चल के दर्शन करते हैं, देखते क्या मिलने वाला है हमें। देखो अभी जो है ना रामनवमी वाले दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी यहाँ पर राधा कृष्ण जी की राम दरबार की, तो जो है उसी दिन यहाँ फूलमाला वगैरह सजाई गई थी। तो फिलहाल तो थोड़ा थोड़ा सूख चुके हैं, गर्मी भी काफ़ी है, क्योंकि हरे कृष्णा जय श्री राधे। चलिए चलते हैं सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे हम आ चुके हैं। यहाँ आपको बाहर जो है पूरा हॉल मिलेगा जहाँ बैठ के आप जाप कर सकते हैं हरे कृष्णा का। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये रसिया से हैं और प्रभु जी हैं यहाँ पर। टेल अस समथिंग अबाउट कृष्णा एंड अबाउट यू। हरे कृष्णा। I speak only Russian. You speak only Russian? Yes. Yeah, say something in Russian. About Russian, Krishna, Russian language. Radhe, Radhe. Say something about Krishna in Russian. Hare Krishna. Nothing. मुझे लगता है कि रशिया की लैंग्वेज जानते हैं। समझते हैं। अच्छा हिंदी बोल लेते हो आप? हिंदी तो भाई बोल रहे हैं। Speak only Russian. Speak only Russian. English, no Hindi, no. No Hindi. No Hindi, no English. थोड़ा थोड़ा रसिया। अरे कृष्णा, दोस्तों हिंदी इंग्लिश नहीं आती इनको, थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, बाकी रशियन वो यहाँ पे जो है लैंग्वेज ये बोलते हैं। दोस्तों यहाँ प्रभु जी जाप कर रहे हैं हरे कृष्णा का, तो उनसे तो हमने आपको मिलवा दिया। और यहाँ देखो आप ये देख रहे हो ना, ये पूरी वॉल बनाई गई है, इसके पीछे जो है वैदिक म्यूजियम बनाया जाएगा। चलिए एक बार थोड़ा आपको मैं दिखा देता हूँ, बाकी यहाँ और कुछ लोग हैं ये भी हरे कृष्णा जाप कर रहे हैं। हरे कृष्णा जी, तो पहले दिन आए आप दर्शन करने आज? अच्छा तीसरे दिन प्राण प्रतिष्ठा में आए थे आप? हाँ। अच्छा अच्छा, तो भाई देख सकते हैं रामनवमी वाले दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब भी आए थे, तो थोड़ा बताइए भाई मंदिर के बारे में। यहीं से हैं आप? नहीं। कहाँ से हैं? पीतमपुरा। अच्छा पीतम, अच्छा पंजाबी बाग से आप आए हैं दर्शन करने के लिए मंदिर वहीं। अच्छा अच्छा, वहाँ पर भी है इस्कॉन? तो वहाँ भी जाते ही होंगे आप। तो भाई देख सकते हैं भाई ये जो है पंजाबी बाग से आया दर्शन करने के लिए, इस्कॉन वहाँ पर भी है पंजाबी बाग में। तो फिलहाल यहाँ पे न्यूली ओपन हुआ है ये रोहिणी इस्कॉन। बाकी चलिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ थोड़ा अंदर, यहाँ पे वैदिक म्यूजियम बनाया जाएगा जिसको भी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2 साल लग जाएंगे यहाँ पर इसको भी रेडी होने में। ये देखिए काफ़ी बड़ा यहाँ पे हॉल है, अभी तो भाई कुछ भी रेडी नहीं है, चलो बाहर चलते हैं। चलिए दोस्तों अब जो मेन फ्लोर है वहाँ चल रहे हैं हम, सेकेंड फ्लोर पर जहाँ हमें दर्शन करने के लिए मिलने वाले हैं, चलते हैं ऊपर। दोस्तों जो है ना जो पब्लिक के लिए ओपन है 20 तारीख से है, यानी कि कल है, बट जो है पब्लिक आज ही से आ रही है और कुछ लोग प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन से भी आ रहे हैं। तो फाइनली जो लास्ट फ्लोर है दर्शन करना है यहाँ पे हमें, वहाँ हम आ चुके हैं। यहाँ भाई हमें साइंस देखने के लिए मिलेगी और दर्शन करने को मिलेंगे। जय श्री राधे श्रीमन्नारायण। दोस्तों अंदर जो है हरे कृष्णा का जाप चल रहा है, मंत्रों का उच्चारण चल रहा है, भजन कीर्तन चल रहे हैं। यहाँ पे 19, 20, 21 तीन दिन जो है ना कीर्तन का जो है समारोह चलने वाला है इवनिंग में, और फिलहाल भी वो चल ही रहा है वैसे। और एक और बात बताता हूँ, यहाँ ना अंदर आपको साइंस भी मिलेगी देखने के लिए, इन्होंने बड़े बड़े तरीके से मतलब झूमर बनाया हुआ है और उस तरीके से पूरा यहाँ पे अंदर जो है कंस्ट्रक्शन पूरा किया गया है इसमें, कि आप बीच में जब खड़े हो गए ना तो चारों ओर आपकी आवाज़ गूंजेगी, ऐसा लगेगा माइक में बोल रहे हो। भाई हम भी खड़े हुए थे, हमें भी नहीं पता थी, हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज़ गूंज रही है, तब हमें पता लगा भाई साहब कुछ इस तरीके से यहाँ बनाया गया है। चलिए अंदर चल के दिखाता हूँ, वैसे तो अभी भजन वगैरह चल रहे हैं तो शायद हमारी आवाज़ ना गूंजे, चलते एक बार दिखाते हैं फिर बताते हैं, दर्शन करते हैं चल के अब। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा। चलिए चलते हैं अंदर दर्शन करने अब। थोड़ा थोड़ा काम अभी जो है चल ही रहा है वैसे अंदर। ये देखो ये वही वाली जगह है जिसके बारे में मैं कह रहा था, इसके एग्जैक्ट बिल्कुल बीच में आएंगे ना आवाज़ गूंजेगी भाई साहब। फिलहाल तो भजन चलने लग गए यहाँ पर, अब भी गूंज रही आवाज़,
आप आओगे ना खुद भी जो है फील करोगे इस चीज को, आवाज गूंजती है बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में खड़े होते हैं तो आपकी आवाज चारों राउंड टकराती है और जो है एको बनता है पूरा, और काफी बढ़िया लगता है भाई साहब, जैसे कूलर में नहीं करते थे बचपन में इस तरीके से, पूरा साइंस यहाँ लगाई गई है, फिजिक्स यहाँ लगाई गई है। वह कपाट बंद हो गए दोस्तों, 12:30 बजे अभी आरती होगी तो जब जो है कपाट खुलेंगे, फिलहाल कपाट बंद है अभी, तो 12:30 बजे आरती होगी ना, जब जो है कपाट खुलेंगे तब आपको दर्शन करवाएंगे, हम भी दर्शन करेंगे राधे कृष्ण आके, तब तक के लिए चलिए आसपास का पूरा एरिया आपको दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं जो जो चीजें दिखा सकते हैं अभी। दोस्तों यहाँ पर जो है स्वामी प्रभुपादा जी हैं, इनके दर्शन आप कर सकते हैं मंदिर में आकर, ऑब्वियसली इस्कॉन टेम्पल है तो उसके जो फाउंडर हैं यही हैं, तो इनके भी यहाँ दर्शन हम कर सकते हैं, जय हो स्वामी जी की। दोस्तों 12:30 बज चुके हैं और कपाट खुलने वाले हैं, आप देखिए आरती होगी अब, हरे कृष्णा जय श्री राधे। दोस्तों आरती हो चुकी है, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। दोस्तों यहाँ सामने सीताराम हनुमान लक्ष्मण जी हैं, राम दरबार, जय श्री राम। Thank you.
चलिए आरती ले लेते हैं। कितना अच्छा लग रहा भाई साहब, कितना अच्छा लग रहा। सारे हमने दर्शन आपको करवा दिए हैं। चलिए आसपास अब और दर्शन कर लेते हैं और क्या क्या दर्शन हमें मिलेंगे यहाँ पर। तो स्वामी प्रभुपाद के दर्शन हमने कर लिए थे यहाँ पर पहले ही। यहाँ पे देखो नरसिंह अवतार के हम दर्शन कर सकते हैं भाई। बाकी फैन वगैरह लगे हुए हैं और भी दर्शन हम कर सकते हैं यहाँ पर। ये सुदामा से मिलन का देखो, कृष्ण सुदामा मिलन के दर्शन हम कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे बावन अवतार जब होता है तो वो दर्शन हम कर सकते हैं और वहाँ उस साइड जो है प्रतिमाएं बनाई हुई है। चलिए चल के दर्शन करते हैं और उधर। काफी अच्छा लग रहा है भाई, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे जो है दर्शन करके। आर्किटेक्चर तो मैंने आपको दिखाई ही दिया था, कृष्ण जी की सारी लीलाएं यहाँ पर जो है दिखाई हुई है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं आप पूरी जीवन शैली यहाँ पे कृष्ण जी की दिखाई हुई है और कितने अच्छे तरीके से बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत जो है मनोहर है ये। बाकी इस तरीके से झूमर टांगे हैं, बहुत प्यारा बनाया, बहुत प्यारा। इसमें लाइटिंग जब हो जाएगी भाई साहब क्या लगेगा। फिलहाल लाइट्स जो है यहाँ पे बंद है, कल पब्लिक के लिए ओपन होगा ना जो है 20 तारीख को, तब जो है सारी लाइट्स वगैरह ऑन होगी तो बहुत बेहतरीन लगेगा। दोस्तों चलिए पीछे कर चलते हैं, परिक्रमा करते हैं चल के। हरे कृष्णा हरे रामा। देखो परिक्रमा मार्ग यहाँ बनाया हुआ है, काफी सुंदर बनाया है ये भी। थोड़ा काम चल रहा है अभी यहाँ पर जो है। दोस्तों परिक्रमा कर रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर ही बनाया हुआ है। चलिए दिखाता हूँ, देखो भाई कितना सुंदर बनाया है, कितना सुंदर सुंदर बनाया काफी है ना, बहुत सुंदर है। कितने तरीके से बनाया, हाँ बहुत प्यारी फिनिशिंग है। बाकी यहाँ पर जो है प्रतिमा वगैरह भी लगाई जाएंगी, थोड़ा काम बाकी है। कितना सुंदर लग रहा भाई, देखो भाई देखो कितना अच्छा लग रहा है, है नहीं? क्या हो गया, इतनी शांति कैसे होगी? अभी तो आरती हो रही थी, भजन कीर्तन हो रहे थे। थोड़ा काम जो है अभी बाकी है। दोस्तों यहाँ कुछ भाई हमें मिले हैं, तो भाई ये भी अंदर दर्शन करके आ चुके हैं, हम भी दर्शन करके आ गए, बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। आपको कैसा लगा दर्शन करके? एकदम बढ़िया, बढ़िया लगा है। अच्छा, तो यही रहते मतलब कहाँ से आए आप? अच्छा नियर बाय रहते, कॉलेज है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, तो मंदिर को हो गए काफी टाइम बनते हुए? 6-7 साल हो गए। अच्छा अच्छा, काफी अच्छा बनाया मंदिर। हाँ मंदिर बहुत प्यारा बनाया, तो दर्शन कराओ अंदर, अच्छा लगा, दर्शन भी खुले हुए हैं, बहुत प्यारा दर्शन हुआ है। तो भाई देख सकते हैं भाई लोग आना शुरू हो चुके हैं, बहुत प्यारा मंदिर बनाया भाई, तो आइए आप भी दर्शन करने। हाँ देखो भाई फाउंटेन वगैरह भी लगाया गया, फिलहाल जो है चालू लिए। और दोस्तों मंदिर रात में जो है 9 बजे तक खुला रहेगा, बाकी रात में बहुत प्यारी यहाँ पे लाइटिंग भी होने वाली है, देख सकते हैं आप। दोस्तों दर्शन कर लिए हैं, अब जो है हम चल रहे हैं नीचे। तो भाई बाहर इतनी गर्मी हो रही है और अंदर बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था गर्मी का, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके भाई, बहुत अच्छा लगा। आइए जरूर आइए भाई दर्शन करने आप। दोस्तों दर्शन कर लिए, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आइए आप भी दर्शन करने, बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, काफी आनंद आया भाई दर्शन करके। तो अभी मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं क्योंकि 1:30 बज रहे हैं, अब मंदिर 4 बजे खुलेगा, रात को 9 बजे तक खुला रहेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमें चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ध्यान रखिए अपना। जय श्री राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।